अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज डेट 6th of September 2020, क्लास 10th, सब्जेक्ट सोशल साइंस, और सोशल साइंस का पार्ट पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस का यूनिट फर्स्ट पावर शेयरिंग। तो जैसा कि एक पहले हमें जो टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक भी इसी के साथ रिलीवेंट है। आज का टॉपिक जो है ये है बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो बेटा इसमें ये समझना है कि हम पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का जो असली ऑब्जेक्टिव जो है इसके, ये तो आपने सीख लिए हैं, पढ़ लिए हैं। पावर शेयरिंग हमें ये कहती है कि कोई भी पावर जो है वो किसी एक हैंड में या किसी एक आदमी के पास नहीं होने चाहिए। पावर शेयरिंग का मकसद ये है कि पावर शेयर होनी चाहिए अमंग दी डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि पावर जैसे कि शेयर किए जाते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो जितने भी जहां तक भी पावर शेयरिंग का तल्लक है, जैसे जिस हद तक पावर शेयर किए जाते हैं अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो वहाँ डेमोक्रेसी का सेटअप जो है उसके लिए बहुत आसान रहता है, और गवर्नमेंट का निज़ाम हुकूमत जो है उसमें बड़ा फायदा होता है। तो इसी को लेकर आज हमारा टॉपिक जो है ये है बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हम स्टडी करेंगे कि वहाँ पावर शेयरिंग की वजह से और वहाँ की जो डिफरेंट कम्युनिटीज जो हैं उनमें किस तरह आपस में उनमें कुछ तनाज़े उठे, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बेल्जियम। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 crore, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। द एथनिक composition of this small country is very complex of the country's total population. 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the religions of the Belgians speak German. And the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. यानी इसमें हम देखना है कि बेल्जियम जो है ये एक छोटा सा मुल्क है, यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है, और इसकी बेल्जियम की जो बाउंड्री जो है, सरहद जो है, ये दूसरे बड़े मुल्कों के साथ मिलती है, जैसे फ्रांस है, नेदरलैंड है, जर्मनी है, लक्समबर्ग है। तो इसकी आबादी जो है, कुल आबादी जो है किसकी, बेल्जियम की, ये है 1 crore। यानी हम ऐसा मान लेते हैं कि इसकी आबादी इतनी है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जितनी हरियाणा स्टेट की हाफ पॉपुलेशन है। तो वहाँ जो इस मुल्क के जो लोग हैं, वहाँ क्या है, टोटल पॉपुलेशन जो है 59% लाइव्स जो हैं इन द फ्लेमिश रीजन। 59% लोग जो हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और उनकी जबान जो है वो डच बोलते हैं, और दूसरे 40% लोग जो हैं वो रहते हैं वेलोनिया रीजन में, जिनकी जबान जो है वो फ्रेंच है। बाकी जो लोग वहाँ बाई चाहते हैं वो बेल्जियंस हैं, और उनकी जबान जो है वो जर्मन है। एंड द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। जो वहाँ का कैपिटल जो है उसके 80% लोग जो हैं, 80% लोग जो हैं वो कौन सी जबान बोलते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। तो इथनिक, अब हम देखते हैं
A social division based on shared culture, people belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture, or both, they need not always have the same religion. Next. The minority French-speaking community was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community. यानी वहां ये देखना है कि जो लोग मनाटी में थे वो कौन थे, जो जिन लोगों की जबान क्या थी, फ्रेंच थी, जो फ्रेंच कम्युनिटी के लोग जो थे वो मनाटी में थे, लेकिन वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, लेकिन वो अमीर भी थे और क्या थे, पावरफुल भी थे. दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी. लेकिन इनके साथ जो रिजेंटमेंट होती थी वो दूसरी जो जमात थी, दूसरी कम्युनिटी के लोग जो कौन से थे, जिनको हम कहते हैं डच जबान बोलने वाले, वो क्या करते थे, वो जितने भी इकोनॉमिक इक्तसादी तौर पर जितनी बेनिफिट्स होते थे, जितने भी तरक्याती काम होते थे, तालीम का मसला था, बाकी चीज़ें थी, इनमें वो लोग फ़ायदा उठाते थे. तो ये फ्रेंच बोलने वाले जो थे इनको नज़रअंदाज किया जाता था. एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960 द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट एंड Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country. तो इन दो कम्युनिटीज के दरमियान एक क्या खड़ा हो गया जी, एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया. तो इसमें से ज्यादा लोग जो थे वो कौन से थे, हम इनको इसका नाम देते हैं कि वो डच जबान बोलने वाले लोग जो थे वो मजार्टी में थे, और जो दूसरे लोग जो थे वो किस में थे, जो फ्रेंच बोलने वाले थे वो मनाटी में थे. बट ए मनाटी इन दी कैपिटल, लेकिन मनाटी किस में थी, कैपिटल में थी. तो बेटा आज का ये टॉपिक यहीं कंक्लूड होता है. तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे. थैंक यू.